Hi guys, I really hope you all are doing great, staying inside. So here I am to give you guys a quick update that something has happened actually. So basically what happened is since last 3-4 days I was not doing that great. I had fever, cold and cough, and last night I understood that I also lost my smell, that I could smell nahi kar pa rahi thi kal se. Test hai, wo bhi chala gaya almost. So aaj main ja rahi hu test karwane ke liye, covid test. Me, my didi and jiju, we three are going. So I will leave now and catch you guys later. Abhi test karwa leti hu, dekhte kitna time tak test ka report aata hai. कौन सा टेस्ट करवाऊंगी, कहाँ से करवाऊंगी, आई रियली डोंट नो. अभी जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा. सो आई विल टेल यू गाइस एंड अपडेट यू गाइस लेटर वंस आई रीच बैक होम. सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग. फाइनली आई एम बैक होम. टेस्ट वगैरह हो गया जिसका रिजल्ट आएगा विद इन 72 आवर्स. आपको कुछ हो नहीं जा सकता है, बट डैड इज स्टिल ट्राइंग कि इससे पहले रिपोर्ट अगर मिल जाए. बिकॉज द थिंग इज सोवा इज एट आवर प्लेस अवे फ्रॉम हर मॉम. सो अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन कहाँ पर जाएगा. सो वी आर थिंकिंग टू कपल आवर प्लेसेस, जैसे कि मैं भी दीदी के घर चली जाऊँ गेट क्वारंटाइन. सो और सो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा के पास रहेंगे, बिकॉज लकीली बोथ माई पेरेंट्स आर वैक्सीनेटेड. देयर टू जैब्स आर ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 28 डेज. 20 डेज तो हो गई, हाँ फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है. हु विल स्टे हियर विद माई पेरेंट्स, आई डोंट नो कैसे क्या होगा. सो कभी अपनी मम्मी की बिना नहीं रही है. अगर मम्मी के बिना रही है तो मेरे पास रही है, लाइक विद मी एंड माई मॉम. बट इस बार मैं भी नहीं हूँ, ओनली विद माई पेरेंट्स हो रहेगी. सो या लेट्स सी कैसे क्या होता है. आई थिंक सब कुछ मैनेज हो जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सो आई एम फीलिंग नर्वस फ्रॉम इनसाइड, बट इट्स ओके. जो होना था वो हो गया. नाउ वी हैव टू टेक प्रिकॉशन. अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. भी टेस्ट के लिए भी वेट कर रही हूँ. आई थिंक पॉजिटिव आएगा, बिकॉज नहीं तो स्मेल अचानक से कहाँ चला. सो या लेट्स सी ये व्लॉग कहाँ तक कंटिन्यू होता है, क्या क्या होता है फिर. सो व्हाट आई डिड इज क्विकली पैक्ड अप ऑल माय नेसेसरी स्टफ्स, लाइक माय लैपटॉप चार्जर्स, कुछ ड्रेसेस एंड ऑल दो स्टफ्स, एंड देन आई लेफ्ट. हाय यू ऑल, वेलकम बैक. एंड टुडे इज नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे सिंस कल मैं गई थी टेस्ट करवाने अपना कोविड टेस्ट, एंड टुडे इज द नेक्स्ट डे. कल और व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई बिकॉज वी वेर डिस्कसिंग अ लॉट कि अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग क्या करेंगे. वी आर क्वाइट श्योर दैट वी आर ऑलरेडी पॉजिटिव, एंड बिकॉज हम लोग को फीवर आया था बिफोर 3 डेज, 3 to 4 डेज पहले हम लोग को, दोनों को एक ही दिन में फीवर आया था. दो उस टाइम वो अपने घर पे थी, मैं अपने घर पे थी. उसके साथ थोड़ा बहुत हम लोग को जुकाम भी था, एंड आई वॉज फीलिंग सो लो दैट डे. जिस दिन मुझे फीवर आया था बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था. ऐसा लग रहा था लाइक व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू वेक अप फ्रॉम बेड, मुझे ऐसा लग रहा था लाइक समथिंग इज पुलिंग मी बैक. सिर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था. सो दिस वॉज ऑल. सो मैंने लगाया था दही वाला फेस पैक फॉर टैन रिमूवल, जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, फिर भी मैंने लगाया था. और उस दिन मैं दही भी पिया था, वो भी मुझे उतना सूट नहीं करता, एंड दैट डेट वॉज लिटिल बिट क्लाउडी. तो उसी दिन रात से मुझे थोड़ा बहुत बुखार आना और फीवरिश फील होना स्टार्ट हो गया था, विद लिटिल बिट ऑफ बॉडी पेन एंड हेडेक. ऑल्सो आई वॉज हैविंग रनी नोज, विच वॉज द फर्स्ट सिम्पटम. सो आई इग्नोर्ड, बिकॉज मुझे लगा था कि मैं जब भी दही वगैरह पीती हूँ फिर लगाती हूँ, आई गेट ऑल दिस थिंग्स. बट दूसरे दिन मुझे पता चला दीदी को भी फीवर है, जो मुझे पहले पता नहीं था. सो वी बोथ स्टार्टेड टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन, पता नहीं क्यों पापा ने बोला था लेने के लिए. सो वी टुक इट, एंड दो दिन लाइक दो ही दिन फीवर था. एज आई टोल्ड यू आई वाज फीलिंग सो टायर्ड, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था सर खींच के मतलब पीछे से गिरा देगा, ऐसा फील हो रहा था, इतना टायरिंग फील हो रहा था. फिर भी आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ, ये कर लूँ वो कर लूँ, यू नो, फिर भी हो नहीं पा रहा था. बट आफ्टर 2 डेज फ्रॉम द फीवर वाला डे I started losing smell and little bit of taste also. पर मुझे ऐसा लग रहा था, मैं notice नहीं कर पाई
फ्यू टाइम्स आई गॉट द पॉइंट दैट आई एम लूजिंग माई स्मेल, बट मैं ये पिन पॉइंट नहीं कर पाई कि ये शायद मुझे कोरोना भी हो सकता है. उस दिन मैं जलेबी बनाई थी, आई पोस्टेड इन इंस्टाग्राम, तो उसमें मैंने रोज सिरप डाला था, इलायची पाउडर भी डाला था. सो मम वॉज सेइंग खा के कि वाओ द फ्लेवर इज सो गुड, क्या डाला है तुमने. आई वॉज लाइक कि आई एम नॉट गेटिंग एनी फ्लेवर, रोज सिरप डाला बट कोई स्मेल नहीं आ रहा था. आई वॉज कंप्लेनिंग दैट शायद रोज सिरप खराब होगा, क्या कौन सा रोज सिरप में ले आई, ऐसा खराब नहीं. बट मम वॉज लाइक नो इट्स स्मेलिंग नाइस, लाइक स्मेल आ रहा है, प्रॉपर स्मेल आ रहा है. बट मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ. फिर भी शाम हो गया, देन दीदी कॉल्ड एंड शी वाज लाइक कि पापा को बोल रहे थे लाइक सॉरी फॉर दैट नॉइस, पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकती. सो शी वाज टेलिंग डैड कि ऐसा ऐसा मेरा स्मेल पूरा ही चला गया, आई कांट इवन स्मेल परफ्यूम, सो व्हाट मेडिसिन आई शुड स्टार्ट taking because this is already like she was sure that she got positive. So because my papa chemist hai, so he knows about all these things. I jab ki ye baatein sun rahi thi, that time this thing clicked in my mind ki even I'm not getting any smell, what's wrong. Main quickly gayi Dettol bottle tha that and I wasn't able to smell anything. Main jaldi se bhaag ke apne room mein gayi, drawer open ki perfume nikala, lagaya, spray kiya and unfortunately फिर भी मैं कुछ स्मेल नहीं कर पा रही थी. दैट टाइम आई वॉज लाइक लिटरली हो गॉड ये कि मुझे भी क्या हो रहा है. सो विद इन दैट मोमेंट मैंने बताया घर पे एंड आई लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम. सोआ भी थी घर पे, पापा मम्मी भी है, दो माई मॉम डैड बोथ आर यू नो डन विद देयर वैक्सीनेशन बिफोर 20 डेज, ओनली दो डोज ही उन लोगों का कंप्लीटेड है. सोआ भी है, मेरी दादी का भी वैक्सीनेशन हो चुका है. फिर भी आई क्वारंटाइन माई सेल्फ इन अ सिंगल रूम. मैं उस दिन उसी रूम में थी, बिल्कुल भी नहीं निकली थी टेस्ट वगैरह होने के बाद. लिटरली येस्टरडे भी मैं डिस्कसिंग की अभी सोम कैसी रहेगी अपने दादा और नानी के पास, मतलब मेरी मम्मी पापा के पास. बट शी हैज़ टू ना, यहाँ पे आंटी भी बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए कर रही है खाना पीना. इज ऑल अबाउट माई कोविड स्टोरी वट एवर. सो आई एम क्वारंटाइन राइट नाउ एट माई सिस्टर्स प्लेस. आंटी इज टेकिंग केयर ऑफ अर सो मच, थैंक्स टू हर. एंड सब लोग प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं. ऑल्सो आई एम डूइंग योगा, जो प्राणायाम वगैरह होता है वो सब भी मैं कर रही हूँ. दिस इज ऑल फॉर नाउ एंड टुडे आई विल शो यू गाइज मैं क्या क्या ले रही हूँ अपनी डाइट पे. सो अभी तो मैं फिलहाल नहा के निकली हूँ. नाउ आई विल डू लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर. छोटा छोटा जो ट्रैवल पैक है मैं वही लेके आई हूँ. आई विल यूज़ दोज एंड थ्रो देम वंस आई एम डन विद दोज. सो या दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. उसके बाद लंच करूँगी. इट्स ऑलरेडी 2:45 नाउ एंड सुबह से मैंने बहुत सारा कुछ खा लिया ऑलरेडी. आई एम हैविंग प्रॉपर साइट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन्स ले रही हूँ वैसे भी, और इसके साथ all the healthy foods. So yeah, this is all. I will catch you guys jab kuch karti hu. Now I'm feeling fresh. Mujhe thoda sa baal bhi banana hai. Pagal ki tarah lag rahi hu, I know. And abhi main dekhungi baith ke kuch apne laptop mein. Thank God we have here wifi, laptop sab kuch hai. सो ऐसे तो टाइम निकल ही जा रहा है. मिसिंग सो हार्ड. सो दैट डे दिस इज़ व्हाट आई हैड फॉर माय लंच. स्टीम्ड राइस, देसी चिकन करी, सैलेड, दाल. बार बार ये मास्क ना मेरी इस पियर्सिंग में फंस जाता है. एनीवेज गुड इवनिंग गाइज. मैं थोड़ा बहुत सो गई थी बिकॉज आज वेदर ही इतना ऑसम है कि मतलब सोने का ही मन कर रहा है. एंड अभी आंटी आई थी बुलाने, चाय दिख रही है, स्पेशल चाय, और इसके साथ है टोस्ट एंड सम भुजिया विच आर माई फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट विद चाय. सो अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद दो मेडिसिन हैं वो भी लेना है. So yeah, this was a quick update for now. So मैं जो टर्की सीरीज देख रही हूँ, दिस इज द वन जिसका नाम है डे ड्रीमर. लिटरली गाइज वंस यू विल स्टार्ट वॉचिंग दिस ना, जब तक सारा एपिसोड खत्म नहीं हो जाता, यू विल जस्ट कीप ऑन वॉचिंग. एक के बाद एक देखने का मन ही करेगा.
एंड इट हैज़ लाइक 156 एपिसोड में हूँ, इसके बाद में भी है. सो या दिस इज़ व्हाट आई विल डू नाउ एंड आई ऑल्सो हैव माई चाय. सो अभी मैं ये करती हूँ, बाद में आई विल अपडेट यू गाइज अगर कुछ होता है. ऑल्सो आई हैव टू चेक माई ऑक्सीमीटर एक बार चेक करने के बाद, लाइक सपोज आई एम चेकिंग इट नाउ, देन आई हैव टू वॉक फॉर 6 मिनट्स कंटिन्यूअसली एंड देन अगेन आई हैव टू टेक द रीडिंग. सो ये प्रॉपर रीडिंग होता है. सो या लिटरली फीलिंग सो बोर्ड, पर अभी कुछ किया जा नहीं सकता है. सो अभी द टाइम इज 10:18 एंड अभी मैं लूँगी थोड़ा सा फर्स्ट टीम, देन उसके बाद कुछ मेडिसिन है. इससे पहले मैंने थोड़ा सा मैगी खाया था, आंटी ने एक मैगी बनाया था, सो आई हैड दैट. नाउ आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ स्टीम, उसके बाद आई हैव टू टेक मेडिसिन देन डिनर. सो अभी के लिए इतना ही अपडेट है. एंड वॉट एल्स, नॉट फीलिंग गुड, बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है, थोड़ा बहुत एंगजाइटी भी है, पता नहीं क्यों, इट्स जस्ट हैपनिंग. सो यहाँ पे मैं पानी लाई, उसको भी गर्म करूँगी, देन आई विल टेक स्टीम. सो द प्रॉब्लम है इसका जो इस रूम में जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी ऊपर में है एंड इसका जो वायर है ये इतू सा लिटरली. सो अभी देखते हैं कौन सा मैं जुगाड़ लगाती हूँ, अभी कैसा जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा. So as I told you guys, I have few medicines yet to take. This is multivitamin with zinc. जो मैं अभी लूँगी वो this was supposed to be taken after lunch or maybe in the afternoon, but मैं भूल गई थी. So I will have this now and इसके बाद और भी दो medicines बाकी है which I am supposed to take after dinner. So yeah, before taking the steam, I will have this one. So I will catch you guys once I'm done taking this steam. This is so real. You can see the sweat. पर ऐसा लग रहा है अंदर सब कुछ ओपन हो गया है. This is super duper effective. अभी मैं थोड़ा सा और लूँगी पर ऊपर से कवर अप नहीं करूँगी. So done with the steaming session. As you can see, मेरे स्किन भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो गया है इसकी वजह से. Which is good. अभी सोच रही हूँ थोड़ा लूँ या फिर जाने देते हैं. It's time to check or give a check on my oxygen level. मैं भी ऑक्सीमीटर लगा के एक बार चेक कर लेती हूँ अपना रीडिंग क्या आ रहा है. आई थिंक नॉर्मल ठीक ठाक ही आएगा. एंड द प्रोसीजर ऑफ चेकिंग योर ऑक्सीजन लेवल इज लाइक एज टोल्ड बाय आवर डॉक्टर दैट फर्स्ट एक बार लगा के रीडिंग ले लेना है लाइक वॉट योर रीडिंग इज कमिंग. उसके बाद 6 to 10 minutes, 6 मिनट्स ही सही है. 6 मिनट्स के लिए थोड़ा सा वॉक करके या फिर चल के यू हैव टू अगेन चेक बैक विद योर ऑक्सीमीटर लाइक वॉट इज़ द रीडिंग कमिंग. सो ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिंगल रिकॉर्ड, लाइक दिस प्रोसीजर इज़ गोइंग टू बी सिंगल रिकॉर्ड. दिस इज़ हाउ आवर डॉक्टर हैज़ टोल्ड अस टू कीप अ चेक ऑन आवर ऑक्सीजन लेवल. सो आई एम गोइंग टू डू दिस. मैं इसको एक है आंटी. सो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर माय डिनर. उसके बाद मैं ली थी ग्रीन टी, दैट्स ऑल. As soon as I woke up, the first thing that I every day had is one whole lemon. Squeezed all of these pieces nicely and I've added some normal water. कभी कभार मैंने lukewarm water से भी पिया था. And after that I had lots and lots of fruits as you can see with 2 whole egg. And after 2 hours I had this kara. मैं shower लेना भी हो गया था, so I went to the terrace and I was taking some nice सन बैथ. वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस व्हाट आई हैड फॉर लंच, फिश, वेज, राइस, दैट्स ऑल. सो जस्ट गॉट डन विद आवर लंच.
अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा छत पे। इस एरिया में कोई नहीं रहता है, मतलब आई कैन, फिर भी मैं थोड़ा बहुत अच्छे से सैनिटाइज कर दिया ये एरिया। सो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करूँगी, धूप भी है बहुत अच्छा है। हाँ, आई एम फीलिंग सो हैवी आफ्टर लंच, बहुत ज़्यादा खा लिया, आंटी बहुत ज़्यादा दे देती है। सो या, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर नाउ। मे बी फॉर हाफ एन आवर मैं भी वॉक करूँगी, इसके बाद आके चेक करूँगी अपना ऑक्सीजन लेवल। सो या, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर नाउ। मार्क्स Every day I used to walk in this terrace for 2 or 3 times because that was really necessary. और यहाँ पे दीदी जीजू दोनों isolated थे और इस terrace पे उतना कोई आ नहीं रहा था because we were utilizing this. After all, fresh air लेना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे आज मैं दोबारा टेस्ट करवाने जाने वाली थी पर आज हुआ नहीं because आज सभी लोग लेट उठे थे, सो हो नहीं पाया। एंड माई फर्स्ट रिजल्ट केम टुडे, नहीं लास्ट नाइट ही वो आया था। पापा थोड़ा बहुत मैनेज करके जल्दी ले आए थे रिपोर्ट। सो मेरा नेगेटिव आया पर दीदी पॉजिटिव आया। सो आफ्टर कंसल्टिंग विद डॉक्टर उन्होंने बोला है कि लाइक यू नो, मेरे एज ग्रुप में ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है बट बॉडी में वायरस फिर भी रह जा रहा है। सो ही हैज़ टोल्ड अस मुझे क्वारंटाइन भी रखिए फ़िलहाल के लिए, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से टेस्ट होगा आफ्टर कम्प्लीटिंग द मेडिसिन, जो भी डोज मेरा चल रहा है उसके बाद फिर से टेस्ट होगा और उसके बाद एक्सरे भी होगा। व्लॉग बना रही हूँ बेसिकली, ये मतलब सिंगल डे का व्लॉग नहीं है, बहुत सारे दिन में मैं छोटा छोटा क्लिप लेके ये वाला मर्च करके एडिट करके अपलोड करूँगी शायद, बिकॉज हर दिन मुझे मतलब मूड नहीं होता है कभी कभार कैमरा उठाने के लिए, व्लॉग करने के लिए। और मेरा जो रूटीन है हर दिन का सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही खाना मैं ऑलमोस्ट खा रही हूँ, बस लंच में डिफरेंस रहता है। जैसे कि आज फ्राइडे था तो मैंने वेज खाया है आज पूरा दिन, एंड या दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन, दैट्स व्हाई आप लोग एक व्लॉग मतलब हर एक पार्ट पे एक एक टाइप का ड्रेसेस देखोगे। एंड इफ टुमारो आई एम गोइंग फॉर माई टेस्ट, आई विल ट्राई टू शो यू। Almost every evening we also had this turmeric milk because it's super effective. So after almost 5 to 6 days after completing our medicines, मतलब proper dose complete होने के बाद ही we went for test. उस time तक मेरा smell completely almost आ चुका था, taste भी आ चुका था, पर दीदी का smell नहीं आया था, बहुत ही mild smell उसको मिल रहा था। So we went for a test and symptoms आने की almost 17 days बाद ही हम लोग ने फिर से last test किया था। एंड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के 2 से 3 दिन बाद ही वी स्टार्टेड लिविंग नॉर्मली। फाइनली गोइंग बैक होम आफ्टर 17 डेज। सिंस मैं दीदी के घर पे आइसोलेटेड थी तो आफ्टर आवर रिपोर्ट्स के नेगेटिव उसके 2 दिन बाद शायद हम लोग घर वापस गए और दीदी दोनों excited to go back home, yes. See your daughter after almost really waiting to see her. Oh my god, I'm just waiting for expression. Finally it's time to go back home and I'm super duper excited to see my niece Soha, mom, dad, dadi, everyone. And guys, so sorry for this cracking voice because mera gala throughout this quarantine period खराबी था। आई वॉज हैविंग यू नो वेरी इची एंड डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ थ्रोट, ड्राई कफ था, खांसी भी बहुत ज़्यादा था, जुकाम 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन तक था एंड माई हेड यूज टू बी वेरी हैवी, हेड एक हमेशा रहता था। एंड इफ आई हैव टू टेल अबाउट एनी साइड इफेक्ट, आई हैड इमेंस हेयर फॉल, लाइक एनी थिंग माई हेयर वॉज फॉलिंग फ्रॉम द डे आई गॉट माई फीवर। फर्स्ट डे का फीवर जब आया था मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बाल गिर रहा था, लाइक एनी थिंग। 2 hours later. Finally it was time to see Soha's reaction, कि वो कैसे react करते हम लोग को देखने के बाद, especially उसकी मम्मी को देखने के बाद। वो मुझे पहले already देख चुकी थी just after waking up and she was literally crying and वो वैसे बोल रही थी इश्मी है इश्मी है and my mom was like no you're just dreaming. That was so sweet. Surprise, hey, surprise. I love you. I love you.
She's so brave that she stayed with us for 15, almost 17 days, completely without her mom. Kiss your mama. Proud of you, mama. So guys, this was all about my COVID story. I tried to put it in a vlog. Thank you for watching.